नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारा वापसी का दिन आ गया है एंड वी आर गोइंग टू शिमला टुडे। और अभी सुबह का टाइम है, हम लोग भावानगर से बस लेने वाले हैं एंड ये मुझे गिफ्ट मिला है मेरी फ्रेंड की तरफ से, किन्नौरी टोपी। एंड रही मौसम की बात, तो धूप निकली है बट बोला जा रहा है कि अगले 4 से 5 दिन मौसम खराब रहने वाला है, हो सकता है स्नोफॉल भी हो, तो हम लोग आज निकल रहे हैं यहाँ से। सो गाइस, हम लोगों को बस मिल गई है शिमला तक की। एंजल एंड विक्टर यहाँ बैठे हैं, निस्टम को भी टोपी मिली है, एंजल को भी मिली है बट अभी निस्टम ने सॉरी एंजल ने पहनी ली है। ओके, एंजल को ही खाने हैं। बाय बाय भावानगर से। देखें इन दोनों को, ये भाई साहब यहाँ पे और ये यहाँ पे, दोनों जने सो गए। नित्य में तो पूरे तरीके से मेरे को बाहर डाला हुआ है। तो अभी हम लोगों ने किन्नौर की सीमा क्रॉस कर ली है, अभी हम लोग शिमला डिस्ट्रिक्ट में आ गए। गाइस, हम लोग अभी जूरी पहुंचे थे, अभी हमारी बस चल पड़ी है जूरी से एंड नित्यम जी तो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, एंजल जी उठ गई हैं यहाँ पे और एंजल जी को अपना कुछ खाने का मन हो रहा था तो खा रही हैं। सो गाइस, ये हम लोग पहुंच गए हैं रामपुर बुशहर एंड आप लोगों को ना एक इंटरेस्ट की बात बताती हूँ। वो नीचे देखे सतलुज रिवर बह रही है, तो सतलुज रिवर का जो इस तरफ का पार्ट है जिस तरफ हम चल रहे हैं रोड पे, वो आता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में और वो सामने जो आप लोगों को घर दिखाई दे रहे हैं ना, ये आता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ये सारा जो सामने की पहाड़ी है वो सामने पूरी पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आती है। ये देखिए जो ये रामपुर के सामने है, ये भी एक सिटी है, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम। देखिए दोनों सिटीज को कनेक्ट करने के लिए वो सामने आपको पुल दिखाई दे रहा है वो है, तो आप इजीली वो पुल के जरिए डिस्ट्रिक्ट शिमला से डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पहुंच सकते हैं वेरी इजीली। ये हमारी बस में एक प्यारा सा कैटी, मेल कैटी है, ये ट्रैवल कर रहा है। एंजल हैप्पी हो रही है इसको देख देख के। एंजल को चाहिए मारती है ये। नहीं मारती है, इतनी क्यूट है। नहीं तुम वो देखो कैटी। हाँ देखो बोले ये लो। एंजल देखो वो कर रहा है मियाऊ। उसको बाहर जाना है लगता है। नित्यम को भूख नहीं लगी, बिस्किट से पेट भर जाएगा। परांठियां दी है मौसी ने बना के और नींद पूरी होगी। कितने बजे उठते हो वैसे भी, है ना? 11 बजे उठते हो? स्कूल जाते
स्कूल जाता था तब 6 बजे। नहीं, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, भाभा नगर की। ये देखें, ये मैं स्कूल की बात कर रही थी। ये सामने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है और ये शिमला, जहाँ हम चल रहे हैं वो शिमला डिस्ट्रिक्ट है और वो पूरा सामने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। गाइस, तो यहाँ पे हमारी बस एक ढाबे पे रुकी है। सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। हरीश भोजनालय है एंड हम लोगों ने खाना लाया था, तो हम लोग अपना बस में ही खाना खाएंगे। मैंने एंजल और नितम को बोला कि आ जाओ, फ्रेश हो जाओ। वो लोग नहीं उतर रहे, वो बस में बैठे हैं। ये देखिए, हम लोगों की जो बस रुकी थी खाना खाने के लिए, वो जगह का नाम था जाबली। आई थिंक मैंने आप लोगों को गलती से किंगल बोल दिया था। किंगल बहुत पहले आ गया था। ये क्या कर रही हो? रुको, ऐसे नहीं करते, गंदी बात। एंजल, ये क्या है? तो अब हमारी बस वहां से चल पड़ी। यहाँ पे ये दोनों सो गए हैं और हम लोग अभी नारकंडा पहुँचने वाले हैं। एंड जब हम लोग रामपुर से शिमला की तरफ आते हैं तो रामपुर डाउन में होता है, रह जाता है, एंड जो नारकंडा है वो हाइट पे है। तो अब हम लोगों ने काफ़ी हम लोग ऊपर चढ़ाई की है हमारी बस ने। गाइज, ये देखें कितने दिन पहले बर्फ़ पड़ी थी यहाँ पे, अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है, क्योंकि ये बहुत हाइट पे है, शिमला से भी हाइट में आई थिंक। इस वजह से नारकंडा में तो जब स्नोफॉल होता है तो बहुत ज़्यादा हैवी वाला होता है एंड यहाँ पे रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर बस को नारकंडा की बजाय दूसरी तरफ से घूम के आना पड़ता है। ये देखें, अभी भी बर्फ़ गिरी हुई है बाहर। फाइनली हम लोग नारकंडा पहुंच गए हैं। देखिए कितना सुंदर है, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है नारकंडा। मत्याना के बाद आएगा ठियोग, देन वी विल रीच शिमला। और ये मेरी लाल टमाटर उठ गई।
सो गाइस हम लोग पहुंच रहे हैं अभी ठियोग, और ये दोनों ने मेरी हालत खराब कर दी है। ये देखिए ये दोनों मेरे ऊपर ही सो रहे हैं कब से, इनको कब से उठा रही हूँ। उड़ जाओ थोड़ा देख लो, बाहर के नज़ारे भी कितने सुंदर सुंदर हैं, बट ये लोग उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये ठियोग की मार्केट है, और अभी मेरी लाडो रानी उठ गई और इसने क्या लिया है, पॉपकॉर्न। इसको बहुत दिनों से मन था पॉपकॉर्न खाने का, एंड फाइनली एंजल को मिल गया। अब पता नहीं बीच में कैसा होगा, है ना। और आपकी नींद भी पूरी हुई, अभी सोना है, और पूरे रास्ते सोता है ये, पूरे रास्ते। यहाँ पे जाम लग गया है, लोग जाम में काफी देर से फंसे हुए हैं। सो हम लोग फाइनली शिमला में बुआ जी के घर पे पहुंच गए हैं। ये देखें, ये एंजल मैडम और ये नित्यम, जिसको कोई काम नहीं आते, टीवी लगा लेने का काम है। और एंजल ने बोल दिया, आते ही बोला है कि मुझे बॉटल दूध चाहिए, तो इसका बॉटल दूध रेडी हो रहा है और हम पी रहे हैं गरम गरम पानी। एंड ये देखें, ये बुआ जी के घर से बाहर का नज़ारा है। एंड शाम के 5 बज गए हैं और देखें सन जा रहा है सामने। हम भी टाइम से पहुंच गए, लेट नहीं हुए, और अब ठंड बढ़नी थोड़ी शुरू हो गई है। एंड अभी फाइनली पूरे एक दिन के बाद कॉफी टाइम। बहुत मन कर रहा था आराम से बैठ के घर पे कॉफी पीने का, तो फाइनली मैं कॉफी पीने लगी हूँ। चलो हम लोग ऊपर जा रहे हैं छत पे, बुआ जी के यहाँ से छत से नजारा देखने के लिए, और ऊपर होप सो बंदर ना मिले हमें। ये देखें, अच्छा वो देखे सामने, बुआ जी ने मुझे भी दिखाया, अभी मैं भी दिखाती हूँ क्लियर करके आपको। वो मेरी बिल्कुल फिंगर के पास आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, वो हनुमान जी की मूर्ति है जाखू टेम्पल। और एक वो बिल्कुल टॉप पे जो दिखाई दे रहा है, लाइट जल रही है, वो तारा देवी मंदिर है शिमला का, वो भी बहुत फेमस है। एंड अभी ये लाइट्स ऑन होना भी शुरू हुई हैं, अभी रात को मैं फिर से एक बार आप लोगों को नज़ारा दिखा दूंगी, बहुत सुंदर लगेगा ये। अभी फिलहाल मैं कुसुमटी में हूँ, शिमला के कुसुमटी में, छोटा शिमला के साथ ही आता है कुसुमटी। एंजल को ठंड लग रही है यहाँ पे? नहीं, एंजल पूरी पैक शेक होके आई है, तो ठंड कहाँ से लगेगी।
अभी रात को थोड़ा, अभी थोड़ा मौसम खराब हो गया ना। देखते हैं, कल बोला गया है कि कल परसों स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, देखते हैं। मैं काफी देर से बिस्तर में ही लेटी हुई थी और मैंने जैसा आप लोगों को बोला था कि मैं रात को दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर की लाइट्स की कितनी सुंदर लगती हैं, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की रजाई में से और थोड़ी सी मैंने नींद की झपकी ली, तो अब मैंने सोचा कि जाती हूँ बाहर, जाके दिखाना पड़ेगा क्योंकि जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ के कांच पे पूरा कोहरा जम गया है, तो वहाँ से वीडियो आनी थी ब्लर, तो इसलिए मेरे को बाहर आना पड़ा। तो आना तो था ही क्योंकि आप लोगों से मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को नज़ारा दिखाऊंगी रात का लाइट्स का, तो देखें ये नज़ारा है। रुको मैं दूसरी तरफ से दिखाती हूँ, ऐसे क्लियर नहीं दिखेगा। ये देखें, डिवाइनली ब्यूटीफुल शिमला। अब मैं चल पड़ती हूँ अंदर, नहीं तो मैं जम जाऊंगी। ओ ठंड। सो गाइस, दिस इज द डिनर टाइम एंड बुआ ने यहाँ पे साग कढ़ी चपाती बनाई है, तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको और एंजल एंजॉय कर रही है अपना खाना जैम के साथ।